हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं प्रेम भाटी आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीएल का जो रिटन टेस्ट हुआ था लैब टेक्नीशियन के लिए, उसका पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें दो सेक्शन है। सेक्शन वन में सब्जेक्ट से रिलेटेड 17 क्वेश्चन है, और बाकी जो सेक्शन टू है उसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि टोटल 30% है टोटल पेपर का। टोटल 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से 70% अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और बाकी 30% जनरल रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। प्रथम क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सोल्यूबल विटामिन। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? तो आप जानते हैं विटामिन दो प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। पिछली बार जो एम्स का क्वेश्चन हुआ था जोधपुर का, उसमें भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन बी विटामिन ए, डी, ई, के, ये हो जाएगा फैट सोल्यूबल। और दूसरे जो विटामिन होते हैं वाटर सोल्यूबल, जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। दूसरा ऑप्शन बी विटामिन से रिलेटेड है, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। विटामिन के किसके लिए आवश्यक होता है? तो इसका ऑप्शन ए है, प्रोथोम्बिन के संश्लेषण के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोथोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोथोम्बिन एक्टिवेटर और कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से स्कर्वी के ट्रीटमेंट के लिए विटामिन सी और रिकेट्स के ट्रीटमेंट के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी विटामिन B12 से रिलेटेड है, जिसमें पूछा है कि विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? तो इसको ऑप्शन सी कोबालामिन भी कहा जाता है, विटामिन B12 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज नोन एज। मस्तिष्क की बुनियादी कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो मस्तिष्क से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम किडनी की बात करें तो उसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है, ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, विल्सन डिजीज अकर ड्यू टू अकोमोलेशन ऑफ। किसके जमाव से विल्सन रोग हो जाता है? तो आप जानते हैं कॉपर की जमाव से विल्सन रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। निम्नलिखित में से लोह किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आप जानते हैं हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक है वो आयरन होता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू फॉलोइंग मिनरल्स। ऑस्टियोपोरोसिस किस खनिज से संबंधित है? अर्थात कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, विच ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। शरीर का सबसे लंबा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए है स्किन, ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। इसका राइट आंसर ये स्किन हो जाएगा। आप जानते हैं लार्जेस्ट बोन होती है फीमर, और लार्जेस्ट जो ग्लैंड होती है वो होती है लीवर। तो इसका राइट आंसर ए स्किन हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल काउंटर इज यूज्ड फॉर। सेल काउंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका हम सीधी तरीके से बात करें तो सेल काउंटर CBC के लिए किया जाता है। तो इनडायरेक्ट तरीके में बात करें तो HB है सेल काउंटर में कर सकते हैं, ठीक है। CBC में HB आता है और TLC DLC भी आता है, प्लेटलेट काउंट आता है। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात सेल काउंटर से HB भी कर सकते हैं, TLC DLC कर सकते हैं और प्लेटलेट काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, विच एमंग फॉलोइंग इज न्यूक्लियर स्टेन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेन न्यूक्लियस को स्टेन करता है? जो हमारे हिस्टोपैथोलॉजिकल में जो स्टेन यूज में आता है H&E स्टेनिंग, अर्थात हिमिट्रोक्सोलिन और ईओसिन, इसमें से कौन सा स्टेन न्यूक्लियस को स्टेन करता है? तो ऑप्शन इसका बी है, वो न्यूक्लियस को स्टेन करता है हीमोटॉक्सिलिन, और जो ईओसिन होता है जो सेल के साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है पिंक कलर में, और जो HNE स्टेनिंग है हीमोटॉक्सिलिन वो
डार्क पर्पल कलर या ब्लू कलर में न्यूक्लियस को स्टेन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, स्टेन यूज फॉर कैल्शियम इज, कैल्शियम के लिए कौन सा स्टेन यूज में आता है। ठीक है, तो कैल्शियम के लिए जो हिस्टोपैथोलॉजी में जो सेक्शन होते हैं, अगर किसी में कैल्शियम होता है जैसे बोन है, तो उसको स्टेन करने के लिए वन कोसा स्टेन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 11 में, वन कोसा इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज फंगल स्टेन, ये सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड है। तो कौन से स्टेन फंगल को या जो कवक सेल होती है उसको स्टेन करता है। तो ऑप्शन ए है GMS। GMS आप जानते होते हैं, ग्रोकॉट, मेथलोमाइन, सिल्वर स्टेन और PAS। PAS आप जानते हैं, पेरियोडिक एसिड स्ट्रप्स, ये इसको स्टेन का नाम है। तो ये दोनों जो स्टेन है वो फंगल स्टेन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ। ठीक है, GMS और PAS दोनों है फंगल स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्सटेंस दैट रीडाइली एवोपरेट आर कॉल, जो पदार्थ आसानी से वाष्पशील हो जाते हैं वो हो जाते हैं वाष्पशील पदार्थ कहा जाता है उनको। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट अटैक, निम्नलिखित में से कौन सा हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वो हार्ट अटैक का कारण है। इसी प्रकार से हाई कोलेस्ट्रॉल भी हार्ट अटैक का कारण है, लो HbA भी हार्ट अटैक का कारण है। देखा जाता है कुपोषण में अर्थात, ठीक है, तो कुपोषण की कमी से मैरिस्मस रोग हो जाता है। तो ऑप्शन टी इसका राइट आंसर है, हार्ट अटैक से रिलेटेड ये तीनों ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ESR स्टैंड फॉर, ESR का अर्थ पूछा है। ESR यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी इरिथ्रोसाइट यानी लाल रक्त कणिका सेडिमेंटेशन रेट यानी उसके बैठने की दर। ठीक है, तो ESR का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार से नंबर 16 है क्वेश्चन, वैक्यूटेनर यूज्ड फॉर, वैक्यूटेनर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो वैक्यूटेनर का आपने हमारे चैनल पे वीडियो देखा होगा कि किस प्रकार से ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। ठीक है, ब्लड कलेक्ट करने के लिए वैक्यूटेनर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं होगा, और सिर्फ ब्लड सैंपल के लिए वैक्यूटेनर का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस व्हिच एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आज नोन एज, पदार्थ जिसका जलीय विलयन चालन विद्युत के रूप में जाना जाता है अर्थात। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। कैटायन वो होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है, और एनायन जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होने पर ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एमंग फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कैल्शियम का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो मुख्य स्रोत की बात करें तो मिल्क में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ESR एस्टिमेशन, ESR करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है। तो आप जानते हैं वेस्टर्न ग्रिड मेथड के द्वारा ESR किए जा सकती है, विंट्रो ट्यूब के द्वारा किया जा सकता है ESR, और ऑटोमेटेड मेथड यानी जिसमें एक मशीन आती है ऑटोमेटिक, जिसमें ESR कम समय में एक साथ कहीं किए जा सकते हैं, और इसका जो इलेक्ट्रिकल मेथड है ये इसका ऑप्शन नहीं है, इसके द्वारा ESR नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पूछा है कि कौन सा ESR करने की तरीका नहीं है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, डिल्यूशन फ्रैक्शन यूज्ड फॉर AEC इन न्यू बार चैम्बर, एब्सोल्यूट ईसनोफिल काउंट करने के लिए न्यू बार चैम्बर में कितना डिल्यूशन लिया जाता है। तो ईसनोफिल काउंट के लिए जनरली 110 का डिल्यूशन लिया जाता है जी, किंतु इसमें जो आंसर की आई है उसमें ऑप्शन बी दिया गया है 120 का डिल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप WBC पिपेट यूज़ में ले रहे हैं ईसनोफिल काउंट के लिए, तब आपका जो डिल्यूशन 120 का ही होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CASA स्टैंड फॉर, CASA की फुल फॉर्म मांगी गई है। ठीक है, तो इसमें CASA होता है सीमन एनालिसिस, यानी कि ऑप्शन ए कंप्यूटर असिस्टेड सीमन एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें
एबनॉर्मल स्पर्म होगी उसकी भी आपको जानकारी मिल जाएगी। टोटल काउंट कितना है, मोर्टिलिटी कितनी है, कितने परसेंटेज मोर्टल है, ये सारी आपको जानकारी केवल इसके द्वारा मिल जाएगी, जिसमें आपको माइक्रोस्कोप में वो रखना है सीमन सैंपल और सारी रिपोर्ट आपको एक कंप्यूटर द्वारा एनालाइज करके दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये होती है CASA यानी कंप्यूटर असिस्टेंट सीमन एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सी पैथोलॉजी की शाखा नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी पैथोलॉजी की शाखा नहीं है। तो इसमें एक्सफोलिटिव साइटोलॉजी ये पैथोलॉजी की शाखा है। IHS आप जानते हैं इम्यूनो हिस्टो केमिस्ट्री, और FISH यानी फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबो। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है FNAC, ये भी हिस्टोपैथोलॉजी से संबंधित है, एक्सफोलिटिव साइटोलॉजी से। तो FNAC की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो FNAC की फुल फॉर्म होती है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EDTA इज यूज फॉर। ठीक है, तो EDTA निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो CBC के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, EDTA वाइल यूज में ली जाती है। ठीक है, और पर्पल वैक्यूटेनर, ठीक है, इसका जो कलर होता है इस EDTA वाइल का वो पर्पल कलर होता है। और HbA1c एस्टिमेशन, HbA1c के लिए भी EDTA ट्यूब यूज़ में ली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबो, सभी प्रकार में EDTA वाइल यूज़ में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कलर। ठीक है, तो आपको जो नीचे दी गई है वाइल उसको करेक्ट कलर कोड में है कि नहीं है। ठीक है, तो येलो है क्लॉट एक्टिवेटर के लिए, ग्रीन है CBC के लिए, ग्रे है फ्लोराइड के लिए, और रेड है प्लेन के लिए। तो अगर आपको ये पहले वाला आंसर आता है EDTA वाला, तो आपको इसको सही जरूर करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें पर्पल कलर यूज़ में लिया गया है CBC के लिए, तो इसका जो आंसर ये है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन कलर के लिए CBC यूज़ में नहीं जाती ली जाती है। ग्रीन कलर के लिए जो ट्यूब यूज़ में ली जाती है वो हिपेरिन वाली होती है, तो उसमें CBC नहीं किया जाता है। क्लॉट एक्टिवेटर के लिए येलो ट्यूब वाली, ग्रे कलर में फ्लोराइड, और रेड कलर में प्लेन वाइल के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, लेवी जेनिंग चार्ट या LG चार्ट हम बनाते हैं उसमें इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री जो अपने रिएजेंट होते हैं उसको जनरली किस टेम्परेचर पे रखा जाता है। जो अधिकतर हमारे जो बायोकेमिस्ट्री रिएजेंट होते हैं उसको फ्रीज में रखा जाता है, अर्थात 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ रिएजेंट होते हैं जिसको हम रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, जिसका जो टेम्परेचर होता है वो 30 तक हो सकता है, तो 10 डिग्री या 32 डिग्री नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर यही होगा, 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पे रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैप स्टैंड इज नॉट यूज्ड फॉर। पैप स्टैंड का किस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पैप स्टैंड के द्वारा हम सर्वाइकल कैंसर का पता लगा सकते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ सीमन की भी कर सकते हैं, स्टडी रूटीन हीमेटोलॉजिकल स्लाइड, और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, रूटीन हीमेटोलॉजिकल टेस्ट के लिए पैप स्मेयर उपयोग में नहीं ली जाती है। जनरली जो हमारे रूटीन हीमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे उसमें हमने लिस्मा जिम्स आदि स्टैंड काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ। कैल्शियम किसके लिए, किसके अनुमान के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो कैल्शियम के लिए APTT उपयोग में लिया जाता है। APTT करने के लिए कैल्शियम हमारे काम में आता है, 29 APTT। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, हिस्टोकाइनेटी मशीन यूज फॉर। ये हिस्टोपैथोलॉजी की एक मशीन होती है। तो इसका जो ऑप्शन ये है, प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल ब्लॉक के निर्माण के लिए हिस्टोकाइनेटी जो मशीन है वो उपयोग में
आती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है, ठीक है, और पारदर्शी ठोस है। तो इसमें से आप देखेंगे तो कुचालक ग्लास कुचालक है, कॉपर जिंक और गोल्ड कतई कुचालक नहीं है, अर्थात इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा है पारदर्शी कौन सा है, ट्रांसपेरेंट कौन सा है, तो ट्रांसपेरेंस ग्लास ही है। तो ऑप्शन आँख बंद करके हम ए लिख सकते हैं, ठीक है, ग्लास इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 है, 100% कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस टीबी के लिए जो बिल्कुल सही टेस्ट कौन सा है, तो वो है ऑप्शन सी सीबीनेट। सीबीनेट किया जाता है वो ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए। तो जिसमें इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सीबीनेट में कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कहा जाता है सीबीनेट को, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइटेरिया फॉर स्पुटम स्मियर एग्जामिनेशन, तो स्पुटम स्मियर का परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटलीस्ट 1 cyst मैक्रोफेज इन स्पुटम में होना चाहिए। स्लाइलवा तो प्रेजेंट होता ही है जनरली, और स्कोमस एपिथेलियल सेल शुड बी सीन, जरूर नहीं है कि होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, SLIA स्टैंड फॉर, SLIA की आपको फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्लिनिकल लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा CLIA की फुल फॉर्म। अब पूछा है ELISA इज, ELISA क्या है, अब मेथड ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, यानी कि ये ELISA की फुल फॉर्म दी गई है। तीसरा है कि मेथड ऑफ टारगेट एंटीजन एंटीबॉडी इन सैंपल यूजिंग स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी, तो इसका जो एकदम सही आंसर माने तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि बी को भी सही आंसर मान सकते हैं क्योंकि ELISA की बिल्कुल फुल फॉर्म दी गई है, तो किंतु सी ELISA को बहुत सही तरीके से डिफाइन करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, एनीमिया इज कॉमनली सीन इन, एनीमिया जनरली किस में देखा जाता है, वो देखा जाता है प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है, तो प्रेग्नेंट लेडी में एनीमिया जनरली देखा जाता है, और डिलीवरी के बाद इसका जो HP होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब डिलीवरी कोई प्रेग्नेंट होती है उसके बाद HP इनका लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हीमोग्लोबिन की, इस कारण इसकी कमी आती है। इसी कारण को जो लेडीज़ होती है उनको मल्टीविटामिन और जो फॉलिक एसिड आदि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ द्वारा आसपास के वातावरण से पानी के अणु को धारण करने और उसी अवस्था में बने रहने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। एनीमिया इज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ, एनीमिया किसकी कमी से हो जाता है, ठीक है, तो RBC की कमी से एनीमिया कहा जाता है, ठीक है, RBC की कमी को, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी को भी एनीमिया कहा जाता है, और हीमोग्लोबिन में भी अगर आयरन की कमी है तो उसको भी एनीमिया कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हाउ टू प्रिवेंट प्लेटलेट क्लंपिंग, प्लेटलेट को क्लंप होने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो ऑप्शन ए है टेकिंग सैंपल डायरेक्टली, ऑप्शन बी है प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ब्लड विथ EDTA, कोई भी एंटीकोगुलेंट ट्यूब लेते हैं तो अगर आप उसको प्रॉपर मिक्स कर लेते हैं ब्लड के साथ तो आपकी जो क्लंपिंग होती है EDTA उसको, प्लेटलेट क्लंपिंग को रोका जा सकता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, डेप्थ ऑफ इम्प्रूव्ड न्यू बार चैम्बर इज, ठीक है, तो न्यू बार जो काउंटिंग चैम्बर होता है उसकी डेप्थ कितनी होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.1 mm, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, किंतु इसमें जो आंसर की दी गई है उसमें 2 mm दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर यही होगा 1 mm, जिसकी जो ऑथेंटिक बुक मानी जाती है गॉड कर भी, इसी में भी यही दिया है, बाकी कोई भी बुक देखेंगे उसी में सभी में न्यू बार काउंटिंग चैम्बर में जो डेप्थ होती है जो फिक्स ही होती है वो 1 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, फ्रक्टोज टेस्ट इन सीमन एनालिसिस इज डन बाई,
फ्रक्टोज टेस्ट सीमन एनालिसिस में किया जाता है वो है रिसोर्सिनॉल रिएजेंट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमन एनालिसिस शुड बी डन विद इन, सीमन एनालिसिस कितने समय में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन वन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 42 में ए एक घंटे में कंप्लीट हो जाने चाहिए, उसके बाद जो उसकी मोटिली होती है स्पर्म की वो कम हो जाती है। ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 CSF सैंपल जो लिया जाता है 3 ट्यूब में लिया जाता है उसका क्रम क्या होता है। ठीक है तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो फर्स्ट ट्यूब होती है वो बायोकेमिस्ट्री के लिए, सेकंड माइक्रोबायोलॉजी के लिए और थर्ड ट्यूब पैथोलॉजी के लिए ली जाती है, ऑप्शन पैथोलॉजी वाला। ठीक है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नॉर्मोब्लास्ट इज सीन इन, नॉर्मोब्लास्ट किस आयु तक देखा जाता है, तो जनरली 6 महीने तक नॉर्मोब्लास्ट देखी जाती है। नॉर्मोब्लास्ट वो सेल होती है जो आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, जनरली आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है किंतु जो इम्यूच्योर सेल होती है उसको नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं, वो 6 महीने की एज तक देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल डायामीटर ऑफ विंट्रोप ट्यूब इज, इंटरनल डायामीटर विंट्रोप ट्यूब का कितना होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 mm। ठीक है इसमें भी जो आंसर की दी गई है उसमें जो डायामीटर दिया गया है वो 2.5 mm दिया गया है, जबकि ये जो 2.5 mm डायामीटर होता है वो है ESR वेस्टर्न ग्रीन मेथड से करते हैं ESR ट्यूब, उसका डायामीटर 2.5 mm होता है, विंट्रोप ट्यूब का 3 mm होता है यदि आप गॉडकर या कोई भी दूसरी बुक में देखें, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है 3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 स्पेशल स्टेन यूज फॉर एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग के लिए जो स्टेन यूज में लिया जाता है वो ZN स्टेनिंग उपयोग में लिया जाता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी स्टेनिंग की प्रोसीजर भी अपने चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट है क्रायोस्टेट यूज इन, क्रायोस्टेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है तो इसमें ऑप्शन ए है इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस, ऑप्शन बी है फ्रोजन सेक्शन, बोथ ए एंड बी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एंड बी सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हिस्टोपैथोलॉजी में उपयोग में लिया जाता है। नीडल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर कलेक्शन ऑफ, ब्लड कलेक्शन के लिए जो जनरली सीरिंज नीडल यूज में ली जाती है वो है 20 से 22 गेज की, जनरली हम जो सीरिंज यूज में लेते हैं उसमें जो 24 गेज की नीडल आती है, तो ब्लड कलेक्शन के लिए जैसे आप वैकेटेनरी यूज़ में लेंगे तो उसमें 20 से 22 गेज की नीडल आपको देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से 49 क्वेश्चन है प्रीफर्ड एंटीकोगुलेंट फॉर चॉइस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के लिए प्राथमिक तौर पर दिया जाने वाला एंटीकोगुलेंट है। ठीक है तो हीमोग्लोबिन हम EDTA वाइल से करेंगे तो आसानी रहेगी, तो जनरली EDTA यूज़ में लिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का प्लाज्मा इज ऑब्टेन बाय सेंट्रीफ्यूजिंग ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट एडेड बाय द ब्लड, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्लाज्मा को अगर हम किसी एंटीकोगुलेंट ट्यूब में लें ब्लड को और उसको सेंट्रीफ्यूज करें तो हम प्लाज्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्लॉटिंग ब्लड से हम सीरम को प्राप्त करेंगे और प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर तो होता ही है, जैसे आप अगर सिट्रेट ब्लड में लेंगे सिट्रेट ट्यूब में तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर के टेस्ट किया जाता है, तो प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा और हमारा दूसरा वीडियो भी अवेलेबल होगा इसके बाद में, जो दूसरा पार्ट है उसमें मिल जाएगा। ठीक है तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए अपने चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।